नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy S22 Ultra 5G versus Apple iPhone 14 Pro Max का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy S22 Ultra 5G में 6.43 इंच जबकि iPhone 14 Pro Max में 6.33 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy S22 Ultra 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy S22 Ultra 5G में 3.07 इंच जबकि iPhone 14 Pro Max में 3.06 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy S22 Ultra 5G में 0.35 इंच जबकि iPhone 14 Pro Max में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy S22 Ultra 5G में 228 ग्राम जबकि iPhone 14 Pro Max में 240 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Galaxy S22 Ultra 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy S22 Ultra 5G में डायनामिक AMOLED जबकि iPhone 14 Pro Max में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Galaxy S22 Ultra 5G में 19:3 जबकि iPhone 14 Pro Max में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy S22 Ultra 5G में 6.8 इंचेस जबकि iPhone 14 Pro Max में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy S22 Ultra 5G में 1440x3088 और iPhone 14 Pro Max में 1290x2796 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy S22 Ultra 5G में 90.28% जबकि iPhone 14 Pro Max में 88.17% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy S22 Ultra 5G में 501 पिक्सल प्रति इंच जबकि iPhone 14 Pro Max में 460 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy S22 Ultra 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। और iPhone 14 Pro Max की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy S22 Ultra 5G में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPhone 14 Pro Max की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy S22 Ultra 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और iPhone 14 Pro Max में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy S22 Ultra 5G में Adreno 730 जबकि iPhone 14 Pro Max में Apple GPU 5 Core Graphics मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy S22 Ultra 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 और iPhone 14 Pro Max में Apple Bionic मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy S22 Ultra 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 12 GB की RAM मिलती है जबकि iPhone 14 Pro Max में 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy S22 Ultra 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256 GB 512 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि iPhone 14 Pro Max में 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो
Galaxy S22 Ultra 5G में Android V12 जबकि iPhone 14 Pro Max में iOS V16 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 4 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy S22 Ultra 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 1,09,999 रुपीस, 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 99,990 रुपीस में मिलता है। और बात करें iPhone 14 Pro Max की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 1,39,900 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy S22 Ultra 5G में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Apple iPhone 14 Pro Max की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Galaxy S22 Ultra 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G है, दूसरा Samsung Galaxy Z Fold 2 है, तीसरा Samsung Galaxy S21 Ultra है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Z Fold 3 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।